नौकर, ये क्या कर रहा है? कुछ नहीं साहब, मैं तो मेन साहब से चाय पूछने आया था। अच्छा, ऐसा लगा कि तू कपड़ा हटा रहा है वहाँ से। वो तो मैं यहाँ पे टेबल साफ कर रहा था ना, तो इसलिए मेन साहब का कपड़ा आगे आ रहा था, इसलिए बस थोड़ा सा साइड कर रहा था, मैं हटा नहीं रहा था। चल ठीक है, पापा कहाँ हैं? बड़े साहब तो सो रहे हैं, वो मैंने अभी देखा था उनके रूम में। अच्छा ठीक है, मैं ड्यूटी के लिए निकल रहा हूँ, और पता है ना अंकिता प्रेग्नेंट है, उसका थोड़ा सा ख्याल रखना, और वो जो दवाइयाँ वगैरह दी हैं टाइम से दे देना, समझा? जी साहब, मुझे सब पता है कि क्या क्या देना है आपको, मैं टाइम से दे दूंगा। चलो निकलता हूँ। अच्छा हुआ साहब तो चले गए। अब एक चीज तो है, तुम होट तो हो पर उसके साथ साथ प्रेग्नेंट भी तो हो। अब मेरे से रहा ही नहीं जाता तुमसे दूर, मैं क्या ही कर सकता हूँ। जब तक तो मैं ए नौकर, क्या कर रहा है? मैं कुछ भी नहीं कर रहा था अंकल जी, मैं तो सफाई कर रहा था। अच्छा, सफाई कर रहा था यहाँ पे। बहू ने खाना पीना खा लिया? वो उन्होंने खाना नहीं खाया, वो कह रही थी मेरे को बहुत नींद आ रही है, मैं बाद में खा लूंगी। प्रिंस बेटा कहाँ है? और साहब ड्यूटी के लिए निकल गए। अच्छा अच्छा, वो ड्यूटी के लिए निकल गए और तू यहाँ पे उसकी बीवी के साथ ये हरकतें कर रहा तू? अरे नहीं नहीं साहब, आप ये कैसी बात कर रहे हो, मैं तो इन्हें अपनी बड़ी दीदी की तरह मानता हूँ, भला मैं इनके साथ ऐसी गंदी हरकत कैसे कर सकता हूँ? आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने अपनी आंखों से देखा, तू उसका कपड़ा हटा रहा था। अरे नहीं नहीं साहब, मैंने आपको बताया ना, मैं यहाँ पे टेबल साफ कर रहा था, वो भाभी जी ने फ्रॉक पहन रखी है ना, तो वो बीच में आ रही थी, बस मैं तो वही हटा के थोड़ा सा साइड कर रहा था, इतने में आप आ गए, आपको लगा कि मैं इनके साथ कुछ उल्टी सीधी हरकत कर रहा हूँ। हो सकता है मेरी आंखों का धोखा हो। चलो ठीक है, जाकर रसोई में काम करो। कितनी प्यारी लग रही है सोई हुई, काश मेरी भी बीवी ऐसी माल होती, ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनती तो मज़ा आ जाता। चलो कोई बात नहीं, ये बहू तो है, छोटे छोटे कपड़े पहन रही है, सब कुछ दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पापा जी आप यहाँ? सॉरी मैं सो गई थी। कोई बात नहीं बेटा, तुम प्रेग्नेंट हो, आराम करना चाहिए। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना अच्छा ससुराल। वैसे आज आप ये शर्ट पैंट पहन के कहाँ जा रहे हो? ये पैंट शर्ट पहन कर बेटा मैं किसी लड़की से मिलने जा रहा हूँ, ये किसी को बताना मत। क्या मतलब? देखो बेटा, अब अकेला हूँ, ऐसे टाइम कटता नहीं है, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी, समझ रही हो ना तुम? क्या मतलब? देखो बेटा, मैंने कितनी बार कहा है अपनी माँ से बात करो कि वो भी अकेली है और मैं भी अकेला हूँ, कुछ बात बन जाए तो अच्छा रहेगा ना। तुमने मेरी बात को पता नहीं अनसुना कर दिया, या तुम अपनी माँ से कहना नहीं चाहते? क्या मतलब कि आप शादी करोगे, ये क्या बोल रहे हैं आप? देखो बहू, तुम्हारी माँ मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं उससे चाहता था मेरी बस उससे शादी हो जाती तो अच्छा रहता। पापा जी बस करिए, अरे आप तो मेरी माँ के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। मैंने कहा ना ऐसा नहीं हो सकता, अरे उनका पति है, अब मेरे पापा को छोड़कर आपके साथ रहेंगे क्या? थोड़ी तो शर्म करिए, समधन है वो आपकी, और आप किसी गंदी नजर रखते हैं उन पर। मैं मानता हूँ समधन है, इस बात को इनकार नहीं कर रहा, मैं तो बस ऐसे बात कर रहा हूँ ना। देखो बेटा, अगर मेरी गंदी नजर होती तो तेरे मैके जाकर तेरी माँ के साथ कुछ भी कर सकता था। पापा जी जुबान को लगा ना रही अपनी, कुछ भी बोलते रहते हैं, आपको समझ भी आती है आप बोलते क्या है? मुझे लग रहा है ना दिन पे दिन आपका दिमाग खराब होता जा रहा है, आप जाकर ना डॉक्टर को चेक कराइए। तुम मेरी फीलिंग समझ नहीं रही, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, एक बार तुम्हारे मैके जाकर तुम्हारी माँ से बात तो जरूर करूंगा, देखो उनके मन में क्या है सब जाकर। देखिए पापा जी, मेरी माँ के मन में कुछ नहीं है और मैं चाहती हूँ आपके मन में भी ना ही रहे, समझे आप? देखो बहू, अब तेरी माँ से सुंदर तो मुझे कोई दिखाई नहीं देती, बस मुझे वो पसंद है, मैं तो बस सूट बूट पहनकर आपसे बात करने आया था, इसी बहाने तुमसे बात कर लूं तुम्हारी माँ के बारे में। पापा आपको जिससे मिलना है मिलो, जहाँ जाना है जाओ, पर मेरी माँ को छोड़ दो प्लीज। वाह बेटा वाह, मुझे मना करके यहाँ पे खुद रंगरलिया बना रहा है। कोई बात नहीं बेटे, बेटे तुझे तो मैं बताता हूँ,
वाह अंकल जी वाह, मेरे को मना करके खुद यहाँ पे अपना नंबर लगा रहे हो। शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? जब मैं कर रहा था मेरे को बड़ा भाषण दे रहे थे कि ये सब क्या कर रहे हो मेरी बहू के साथ हैं, और अब आप खुद क्या कर रहे हो? चुप। अरे मैं बहू का हालचाल पूछ रहा था, इसके मैके वालों का हालचाल पूछ रहा था। क्या कर रहा था? हालचाल वो तो अंकल जी अच्छे से दिख रहा था कि आप किस तरीके से इसका हालचाल पूछ रहे थे। मेरे आगे ना ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत करो, मैंने सब देख लिया है कि आप क्या कर रहे थे इसके साथ। नौकर है नौकर बन के रहे और अपनी औकात में रहे, समझ गया तू? औकात? अगर औकात की बात है ना अंकल जी, तो औकात अच्छे से पता चल जाएगी, वो भी आपको, आपकी। जब मैं बात आपके बेटे को बताऊंगा ना कि इसका बाप उसकी ड्यूटी जाते ही उसकी बहू के साथ क्या करतूत करता है, अच्छे से पता चल जाएगा। शर्म आनी चाहिए आपको, तो ये सब करते हो अपनी बहू के साथ। और हल्का सा मैंने छू क्या लिया, आपके पतंगे लड़ गए कि मेरी बहू का छोरा उसके साथ बदतमीजी कर रहा है। ऐसी कौन सी बदतमीजी कर दी थी मैंने? खाली छुआ ही तो था ना, कोई घिस थोड़ी ना गई थी। और जब खुद कर रहे हो जब तो कुछ नहीं हो रहा। बहू समझाओ इसको, हो सकता है मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई हो। मैंने तो कोई ऐसी जानबूझ के ऐसी बात नहीं की, तो इस घर में हमारी कोई वैल्यू नहीं है। बस करो पुनीत, बहुत हो गया तुम्हारा। कब से देख रही हो पापा जी को, क्या कुछ नहीं सुना रहे तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पापा जी को ये सब बोलने की? मालिक है वो इस घर के, और अगर थोड़ा बहुत कुछ बोल भी दिया तो समझो ना इस बात को, उम्र हो गई उनकी, क्या पता कुछ गलत बोल दिया हो। पर इस सबसे तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम उन्हें कुछ बोलो। पापा जी आप अंदर जाइए, इसको तो मैं देखती हूँ। ठीक है बेटा, समझाना इसे। सही है भाई साहब, आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं है। भाभी मैंने तो आपके लिए ना एक छोटी सी आवाज़ उठाई थी कि आपका ससुर आपके साथ गलत हरकत कर रहा है, लेकिन नहीं, आपको तो कुछ बोलना ही नहीं था। कोई बात नहीं, हम ही गलत हैं जो आपके लिए बोल रहे थे। आजकल किसी की भलाई करने का जमाना ही नहीं रहा। पुनीत। हाँ भाभी। देखना पापा जी गए। हाँ गए, बताओ क्या बात है? पास आओ ना। वो बात ये है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, और पापा जी यहाँ थे इसलिए मुझे तुम्हें सुनाना पड़ा, उसके लिए सॉरी। क्या आप मुझे पसंद करते हो? सच में मजाक तो नहीं कर रहे आप? हाँ बाबा, मैं तुम्हें ही पसंद करती हूँ, और वैसे भी मेरे घर वालों से क्या ही डरूँ मैं। मेरे पति से कौन ही प्यार करता है, उसको छोड़ो, मेरे पति से मैं बिल्कुल प्यार नहीं करती। मैं अगर प्यार करती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे। आपका पति, मेरा मतलब साहब तो पुलिस में है ना, अगर उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा, और आपका ससुर जो कि अभी अभी मेरे से लड़के गया है, और उनका क्या, और आप तो प्रेग्नेंट भी हो ना, क्या सच में भाभी? हाँ बाबा, और तुम ना कुछ भी कर सकते हो, तुम जहाँ चाहे वहाँ छू सकते हो। तो फिर ठीक है ना, आप रूम में चलिए। भाभी मेरे को ना यकीन नहीं हो रहा कि आपने मुझ जैसे गरीब नौकर को पसंद कैसे कर लिया। आप तो इतने बड़े घर की मालकिन हो और मैं एक छोटा सा नौकर, क्या आप सच में मेरे से प्यार करती हो? तो क्या हो गया अगर तुम गरीब हो तो? प्यार तो दिल से होता है ना, और मुझे तुम सच में पसंद हो। अब तुम मान क्यों नहीं रहे हो इस बात को? अगर तुम पसंद ना होते तो आज हम दोनों इस कमरे में होते क्या? हाँ बात तो आपकी ठीक है, अगर आप मेरे से प्यार नहीं करते तो आप मेरे लिए इतना कुछ थोड़ी ना करते, और आपने तो अंकल को भी मेरे लिए कितना कुछ बोला है। चलो छोड़ो अब, इतनी सारी बातें कर रहे हो तुम। वैसे जब हम दोनों बाहर थे और तुम मुझे छू रहे थे, तब तुम कुछ करना चाहते थे ना, तो चलो फिर कपड़े उतारो। क्या कपड़े उतारो? भाभी पता नहीं मेरे को ना ये एक सपने जैसा लग रहा है कि आप मेरे से कह रहे हो कि कपड़े उतारो और मेरे साथ जो मर्जी करना चाहते हो करो। बस पापा, अगर तुम ज्यादा बोलोगे ना तो ये सपना ही रह जाएगा, समझे? नहीं नहीं आप नाराज मत हो, मैं उतारता हूँ ना कपड़े। भाभी ये नौकर के साथ क्या कर रही हो आप? अरे
कुछ नहीं, वो तो तबीयत खराब थी, इसकी तो दवाई लेने आया था, सिर बहुत दर्द हो रहा है इसका। भाभी दवाई ले रहा है तो बेड पे बैठ के क्यों ले रहा है, खड़े होके भी तो ले सकता था। अरे देवर जी आप कुछ ज्यादा बोल रहे हैं, अब क्या हो गया, नौकर है तो बैठ नहीं सकता क्या बेड पर? तो दवाई चाहिए तो बेड पे क्या कर रहा है, औकात भूल गया क्या नौकर तू? देखिए बस बहुत हो गया, आप हमारे नौकर को ऐसे नहीं बोल सकते। भाभी मुझे सब समझ में आ रहा है, तुम आज चल तो नहीं रहा नौकर के साथ कुछ? देवर जी बस करिए, कितना बोलेंगे, है तो आप एक हवलदार ही ना, अगर मेरे पति आपको भाई मानते इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी सीमाएं पार करेंगे और कुछ भी बोलते जाएंगे, थोड़ा सोच कर बोला करिए। क्या बकवास कर रहे हैं कि मेरा एक नौकर के साथ चक्कर चल रहा होगा? भाभी जी मैं उस नजर से नहीं बोल रहा हूँ, मुझे कुछ गलत लगा इसलिए बोला है। लगा का क्या मतलब है, आपने ऐसा सोच तक कैसे लिया? देखिए मैं आपकी ना बहुत इज्जत करती हूँ क्योंकि प्रिंस आपको भाई मानते हैं, पर ना अभी के अभी धक्के मार के घर से बाहर निकालती। भाभी आप मुझे गलत समझ रहे हो, मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा था। चले ठीक है, किस काम से आए थे आप? भैया की कोई फाइल थी वो लेने आया था मैं। ठीक है लीजिए और जाइए यहाँ से, और आइंदा ऐसा कुछ बोला या सोचा भी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है जाइए यहाँ से। वैसे मान गए भाभी आपको, आप प्यार तो मेरे से बहुत करती हो, जब भी तो आपने मेरे लिए उसे इतना कुछ सुना दिया, अगर प्यार नहीं करती तो उसे थोड़ी ना सुनाती, अब एक किस तो बनती है ना भाभी। पापा जैसा आप समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। बहू मैंने तो कुछ पूछा नहीं, तू क्यों घबरा रही है? वो क्या है ना अंकल जी, मेरी ना तबीयत बहुत खराब थी तो मैं बस भाभी से दवाई ले रहा था। अरे बहू ये सब क्या चल रहा है, मैंने तुझसे एक बात की थी समथन के लिए और तूने मुझे इतना सुना दिया, और इसके साथ वो भी नौकर के साथ, छी शर्म आ रही है मुझे। नहीं पापा जी ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो हम बस मजाक कर रहे थे। अच्छा 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 नौकरों के साथ मजाक चल रहा था। अगर इस पुट्ठी ने प्रिंस को सब कुछ सच बता दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रिंस तो मुझे घर से बाहर ही निकाल देंगे। भाभी मेरे पास एक प्लान है, देखो ना अंकल तो आपको पहले से पसंद करते हैं, तो एक काम करो ना अंकल को बोल दो कि मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए मान गई हूँ। अरे मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आप सच में उसके साथ सो जाओ, अगर आप इसे अपने प्यार के जाल में फंसा लोगे ना तो बुड्ढा तो वैसे आपके ऊपर पहले से लट्टू है, अब इससे क्या होगा कि ये राज ये बाहर जाकर प्रिंस को भी नहीं बताएगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, घर की बात घर में रुक जाएगी और हमारा सच भी छुप जाएगा, बोलो ना इसे। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यही करती हूँ। पापा जी आप मुझे पसंद करते हैं ना? हाँ पसंद तो करता हूँ मैं। तो इधर आइए ना। बैठिए, आपको सच बताऊं तो मैं भी आपको पसंद करती हूँ, और पता है आप ही के साथ रहना चाहती हूँ, इससे ना आप जब भी माँ की बात करते थे तो मैं चिढ़ जाती थी कि मैं आपको पसंद करती हूँ और आप माँ के साथ, और आप जानते हैं ना मैं आपको कितना पसंद करती हूँ, मैं नहीं चाहती आपसे दूर रहना, बस आप मेरे ससुर जी हैं इसलिए मैं आपको बोल नहीं पाती थी पहले। देखो बहू मैं तो तुम्हारी माँ को पसंद करता हूँ, बस वो मुझे पसंद है। कैसी बातें कर रहे हैं आप मुझे देखिए ना, कहाँ मेरी माँ इतनी बूढ़ी और कहाँ मैं। देखो अब तुम्हें टेंशन लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जब चाहे मुझे जहाँ मर्जी छू सकते हो, मैं प्रिंस को कुछ नहीं बताऊँगी, और ये जो नौकर है ना इससे मुझे प्यार भी नहीं है, इसके साथ तो मैं बस ऐसे ही थी। अच्छा अच्छा पर अगर तुम चाहो तो हम दोनों चलो पापा जी अब घर की बात ना घर में ही रखना, किसी को बताना मत। क्या हुआ अंकिता, कुछ बात चल रही थी आप तीनों की? अंकिता तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें आराम करना चाहिए ना, वो हवलदार को भेजा था वो बता रहा था पता नहीं क्या नौकर बेडरूम में बैठा है, ये सब मुझे अजीब सा लगा इसीलिए मैं पूछने आया यहाँ पे। कुछ दिक्कत तो नहीं है ना, तीनों एक ही बेडरूम में हो? कुछ नहीं बेटा, मैं तो बहू का हाल चाल पूछ रहा था कि कैसी तबीयत है, प्रेग्नेंट है ना इसलिए मैं
हालचाल पूछने आ गया था। अच्छा पापा, आपको तो बहुत फिक्र होने लगी मेरी बीवी की, है ना? सही है। अंकिता, नौकर के साथ सोना है? क्या बोल रहे हो प्रिंस? हाँ सही तो बोल रहा हूँ अंकिता, क्या दिक्कत है? नौकर पसंद होगा तुम्हें, है ना? प्रिंस बस करो, तुम बहुत बकवास कर रहे हो। अगर ये दोनों रूम में, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं इनके साथ यही सब कर रही हूँगी। अंकिता मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये पुनीत और पापा, मेरा ही सब प्लान था, ये सब मेरे साथ मिले हुए हैं। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी सच्चाई सामने नहीं आएगी? मैं बताता हूँ खुलकर, तुम्हारा एक आशिक था और तुम उसके साथ अभी भागना चाहती थी, और तुम चाहती थी कि वो तुमसे मिलने आए मेरे घर पे, और मेरे जाने के बाद तो यही दोनों होते हैं घर में और इनको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए पहले तूने पुनीत को पटाया कि अब ये तो फंस गया है। जब ये पूरी तरह से फंस जाएगा फिर तू अपने आशिक को बुलाएगी इसके सामने और इसे बोलेगी कि अगर तूने बताया मेरे पति को तो ये भी बता दूंगी कि तू मेरे साथ क्या करता, तुझे घर से निकलवा दूंगी। ये प्लान था ना तेरा? और फिर जब पापा को ये बात पता चल गई कि तेरा नौकर के साथ चल रहा है, तो तूने पापा को भी बटा लिया। बहुत बढ़िया अंकित, तो शातिर तो बहुत है तू, लेकिन तुझे नहीं पता ये सारा प्लान तेरा नहीं मेरा था। तुझे फोन पे बात करते सुना था एक दिन, तभी समझ में आ गया। और ये पेट में बच्चा भी उसी आशिक का है या फिर उसमें मेरा है? लगता नहीं अंकिता मेरा है ये, क्योंकि जिस तरीके से तू उससे बात कर रही थी और बोल रही थी ना कि इस बच्चे के बाप तो तुम ही कहलाओगे, मैं समझ गया था उसी वक्त। सही है, धोखा तो मुझे मिला है, और तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ कर दूँ ऐसा मैं हूँ नहीं। इसीलिए चुपचाप यहाँ से निकल जा, अपने आशिक के साथ रहना है जहाँ रहना है रह, मुझे तेरे साथ बिल्कुल नहीं रहना, मुझे मेरी आगे की जिंदगी बर्बाद नहीं करनी है, निकल जा यहाँ से। माफ कर दो ना, मुझसे गलती हो गई है, मुझे समझ आ गया है, मेरी गलती का एहसास हो गया, मैं आगे से नहीं करूंगी। अंकिता रिश्ते की डोर ना बड़ी नाजुक होती है, बहुत आसानी से टूट भी जाती है अगर उसमें भरोसा ना हो तो। डिपेंड हम पे करता है हम किस तरीके से सामने वाले को विश्वास दिला रहे हैं। तुमने तो हमेशा मुझे ये भ्रम में रखा कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो, मैं भी बेफिक्र होकर अपनी ड्यूटी पे जाता और ये सोचता कि मेरी बीवी कितनी अच्छी मिली है मुझे, माँ का साया तो है नहीं लेकिन पापा थे, और तू सोचा छोटा सा परिवार है खुशहाल रहेंगे, लेकिन तूने सब बर्बाद कर दिया। और तूने इतना याद रखना, सिर्फ मेरी नहीं अपनी खुद की जिंदगी बर्बाद की है, इसलिए प्लीज़ यहाँ से निकल जा, मैं और दुख नहीं देख सकता, मैं तुझे तलाक देता हूँ अभी के अभी, प्लीज़ निकल। दोस्तों यार शेयर का बटन वीडियो के जल्द से शेयर कर दो और पैरस कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी, कोई भी अच्छी स्टोरी अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा था यार प्लीज़ कमेंट जरूर करना, और हमारे पेज को फॉलो कर दो यार, प्लीज़ 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 फॉलो कर दो, और अब भी इस वीडियो को शेयर करो जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, प्लीज़ 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 शेयर कर दो, और कोई भी आइडिया आ रहा है तो कमेंट में लिखो, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई, जो आपने पिछले वीडियो में कमेंट्स किए थे, तो कमेंट भर भर के कर दो, हमारे पेज को फॉलो कर दो, प्लीज़ फॉलो कर दो, शेयर कर दो पहले वीडियो को। लव यू ऑल।